हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञानवर्धक तथा मोटिवेशनल नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं जेन हूँ, आपकी खेल कमेंटेटर, और आज हम पोल वॉल्टिंग की दुनिया में सबसे प्रभावशाली एथलेटिक प्रतिभाओं में से एक एलेनोर लैम्पलर के बारे में जानने जा रहे हैं, जिन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप बुडापेस्ट 2023 की महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में भाग लिया था। नाले 26 चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। 2023 में बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाली एथलीट एलेनोर लैम्पलर सिर्फ 25 साल की है, फिर भी वह पोल वॉल्ट की दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। 14वें यूरोपीय रैंकिंग स्थान और 24वें विश्व रैंकिंग स्थान के साथ एलेनोर खुद को वैश्विक और यूरोपीय दोनों पैमाने पर अलग करती हैं। वर्ष 2023 एलेनोर के लिए उल्लेखनीय रहा है, क्योंकि उन्होंने दो प्रमुख आयोजनों इस्तांबुल में यूरोपीय एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 और बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भाग लिया था। यह अपने आप में एक प्रभावशाली उपलब्धि है, क्योंकि यूरोपीय और विश्व चैंपियनशिप दोनों विश्व स्तर पर सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी एथलेटिक प्रतियोगिताओं में से एक है। अपने प्रदर्शन के संदर्भ में एलेना का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 4.56 मीटर है, जो एक उपलब्धि है जो खेल के प्रति उसकी प्रतिभा और समर्पण को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने हेलसिंकी में फिनिश इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 4.51 मीटर की छलांग के साथ पहला स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी निरंतरता और उच्च स्तरीय प्रदर्शन को प्रदर्शित करते हुए एलेनोर लैम्पलर की उपलब्धियां निस्संदेह उन्हें दुनिया भर के शीर्ष पोल एथलीटों में शामिल करती हैं। बुडापेस्ट 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के महिला पोल वॉल्टिंग कार्यक्रम में एलेनोर लैम्पलर ने महिला पोल वॉल्टिंग ग्रुप बी में अपनी यात्रा शुरू की। अपने असाधारण कौशल और दृढ़ संकल्प के कारण उनका प्रदर्शन वाकई देखने लायक था। एलेनोर ने अपनी प्रतियोगिता की शुरुआत 4.2 मीटर की सफल छलांग के साथ की, जिससे उनके प्रदर्शन के लिए एक मजबूत आधार तैयार हुआ। जैसे ही बार को 4.35 मीटर तक बढ़ाया गया, उन्होंने इस स्पर्धा में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने पहले प्रयास में इसे आसानी से पार कर लिया। चुनौती तब और बढ़ गई जब बार 4.5 मीटर तक पहुंच गया, तब एलेना को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा। वह अपने पहले दो प्रयासों में इसे पार करने में असफल रही। हालांकि उन्होंने अपने लचीलेपन का प्रदर्शन करते हुए अपने तीसरे और अंतिम प्रयास में ऊंचाई पर विजय प्राप्त की। अब बार 4.6 मीटर पर सेट होने के साथ एलेना को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। अपने साहसिक प्रयासों के बावजूद, तीन असफल प्रयासों के बाद भी वह इस ऊंचाई को पार करने में असमर्थ रही। दुर्भाग्य से 4.6 मीटर को पार करने में असमर्थता के कारण वह बुडापेस्ट के 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिला पोल वॉल्ट इवेंट के फाइनल में जगह बनाने से चूक गईं। फिर भी क्वालिफिकेशन ग्रुप WE नामक महिला सर्वेक्षण में एलेनोर लैम्पलर के प्रदर्शन ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। उन्होंने महिलाओं के पोल वॉल्ट में नीना कैनेडी, ब्रिजेट विलियम्स, टीना शेट्टी और मॉली कॉर्ड्री जैसे एथलीटों सहित कुछ सबसे प्रमुख नामों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए अपने समूह में 10वां स्थान हासिल किया। प्रतिस्पर्धा खड़ी थी, परंतु एलेनोर का दृढ़ संकल्प और कौशल पूरे आयोजन में चमकता रहा। एलेनोर लैम्पलर एक प्रतिभाशाली एथलीट है, जिनका पोल वॉल्टिंग के क्षेत्र में उज्ज्वल भविष्य है। उनकी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी और प्रभावशाली उपलब्धियाँ एलेना को नज़र रखने लायक एथलीट बनाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनकी भागीदारी एथलेटिक्स की दुनिया में और भी अधिक रोमांचक क्षणों का वादा करती है। हमारे ज्ञानवर्धक तथा मोटिवेशनल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी रोमांचक वीडियो को मिस न करें।
हम आपको और कमेंट देने और इन एथलीटों और उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन पर अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम आपकी प्रतिक्रिया को महत्व देते हैं और आपके विचार जानने के उत्सुक हैं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। नॉलेज चैनल चुनने के लिए धन्यवाद। हमारे ज्ञानवर्धक तथा मोटिवेशनल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी रोमांचक वीडियो को मिस न करें। हम आपको और कमेंट देने और इन एथलीटों और उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन पर अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम आपकी प्रतिक्रिया को महत्व देते हैं और आपके विचार जानने के उत्सुक हैं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। नॉलेज चैनल चुनने के लिए धन्यवाद।